नमामि धन्वंतरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरा दधतं मृतघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग मदात्य चिकित्सा पढ़ेंगे और इसमें हम लोग ने ये पढ़ा था कि मदात्य कैसे शुरुआत किया था हम लोगों ने। मैं एक मिनट सभी लोगों को म्यूट कर देता हूँ क्योंकि कुछ लोग ना आ रहे हैं तो घर की आवाज आ रही है। एक मिनट रुक जाइए कोई भी प्लीज। जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं वो डिस्टर्ब ना करिए क्योंकि बहुत सारे लोग ना मेहनत से यहाँ पर पढ़ने आते हैं। घर की आवाज प्लीज मत सुनाइएगा। यहाँ पे हम दूसरा नंबर का श्लोक देखते हैं। इसमें ऐसे बता रहे हैं मध्य का स्वभाव आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं कि किंतु मध्यम स्वभावे न यथे वान्नम तथा स्मृतम अयुक्ति युक्तम रोगाए युक्ति युक्तम तथा अमृतम। कितना अच्छा है अयुक्ति युक्तम रोगाए युक्ति युक्तम तथा अमृतम। अगर अयुक्ति से पिया जाए तो यह रोग करता है और युक्ति से पिया जाए तो अमृत समान है। प्राणा प्राण भृतानाम अन्नम तद युक्त्या हिनस्त्य सुन विषम प्राणहम तच्च युक्ति उत्तम रसायनम। इसका मतलब यह है कि मध्य में विष के ही गुण रहते हैं फिर भी इसकी उपयोगिता को तिरोहित करना उपयुक्त नहीं समझना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जैसे अन्न स्वभाव तो प्राणधारक होता है वैसे ही मध्य भी प्राणधारक होता है। फिर बोल रहे हैं कि भले ही वह स्वभाव तो प्राणहर हो लेकिन विधि पूर्वक मद्यपान किया जाएगा तो वह अमृत के समान देहधारक होगा। इसी प्रकार अन्न को अयुक्ति विधि से सेवन करेंगे तो वह भी विसूचिका आदि भयंकर रोग उत्पन्न करके प्राणों को नाश कर देगा। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में अयुक्तियुक्त करेंगे तो ये मतलब अयुक्तियुक्त करेंगे तो रोगों को उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार इसमें युक्ति ही प्रबल होती है युक्तिर ही मात्रा अपेक्षणी युक्ति को मात्रा की अपेक्षा रहती है अर्थात युक्ति पूर्वक उचित देश काल और मात्रा अनुसार मध्य लेने से वह अनेक रोगों को अमृत के समान दूर कर देता है और यदि अयुक्त सेवन करेंगे तब वह विष के समान गुण करेगा क्योंकि तो उसमें विष के गुण है ही ऐसे तो है ही उसमें। प्राणा प्राण भृतानम अन्नम तद्युक्ता हिनत्यसुन मतलब ये प्राण को धारण भी करता है युक्ति पूर्वक किया तो और नहीं तो प्राणों को हिनस्त्यसुन ये प्राणों को नष्ट भी कर देता है अगर अयुक्ति से इसका प्रयोजन किया गया। विषम प्राण हरम तच मतलब ये विष के समान भी रहता है तो ये मतलब अयुक्ति पूर्वक किया तो विष के समान रहता है और युक्ति पूर्वक किया तो रसायन भी रहता है। इसी प्रकार विष को भी अन्न की तुलना देते हुए कहते हैं कि अन्न प्राणी मात्र का प्राणधारक होता है फिर भी उसी अन्न को प्रकृति देश काल आदि चकोक्त आहार विधि विशेष आयतनों से प्रतिकूल अनाप शनाप ढंग से अगर बासी गला सड़ा खा लिया अन्न को भी तो वह विसूचिका आदि पैदा करके प्राण नाशक हो जाता है। इसी प्रकार विष की प्रकृति यद्यपि प्राण नाश कारणी होती है फिर किंतु उसे विधि पूर्वक प्रयोग किया जाए तो वह विष जो है वो रसायन का काम करता है।
इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि युक्ति ही सर्वत्र प्रबल होती है। यद्यपि विष और मद्य के एक ही गुण है, तो भी मद्य जो है जैसे अन्न प्राणधारक होता है, वैसे ही मद्य भी प्राणधारक होता है। विधिरहित मद्य और अन्न दोनों ही रोग के कारण हो जाते हैं और युक्तियुक्त तो अमृत के समान होते हैं। इसमें दृष्टांत कहते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, वे सब अन्न के सहारे ही जीवित रहते हैं और आहार प्राणियों का प्राण होता है। इसी प्रकार विष स्वभावतः प्राणहर होता है, किंतु युक्तिपूर्वक सेवन किया जाए तो वह रसायन बन जाता है। विष का भी बहुत जगह सेवन होता है कि विष भी अगर मेडिसिन के रूप में थोड़ा सा खाए तो वह प्राण को धारण करता है। और हमारे चरक संहिता में तो कफज उदर जो रहता है, श्लेष्मोदर, उसमें थोड़ा सा सर्प विष को भी लेने के लिए बोला है, कम मात्रा में युक्ति पूर्वक। उसी तरह से टीकाकार बोलते हैं कि ननु विषस्य ये गुणास्ते चेन मद्यपि संति तरहि विश्वन मद्य मद्यमनुपयोज्य प्रसच्येत। इसका मतलब यह है कि प्रश्न उठता है कि जो गुण विष में होते हैं वे मद्य में भी पाए जाते हैं, तो फिर मद्य भी विष के समान है और अनुपयोज्य होना चाहिए। मतलब हमें मद्य अगर जहरीला है, विष जैसा है, तो उसको तो नहीं लेना चाहिए। तो इसका उत्तर खुद ही दे रहे हैं कि अत आह किमित्यादि यथैवान्नमिति देहधारक स्वभावम तदेवा युक्ति युक्तम अविधि युक्तम रोगाय तस्मात् अहितमपि विशिष्ट विधिनोपयुक्त हितम हितमप्य विधिनोपयुक्त मनर्थाय भवति इति। इसका मतलब यह है कि जैसे अन्न है, देह धारण की स्वाभाविक शक्ति अन्न में पाई जाती है। अन्न का सेवन करते हैं तो देह को धारण करने की शक्ति मिलती है। वैसे मद्य भी अगर अयुक्ति पूर्वक सेवन किया जाए तो वो प्राणनाशक होता है, लेकिन अगर हम लोगों ने उसको विधि पूर्वक सेवन किया तो लाभकारक हो जाएगा। जैसे कि बोलते हैं कि स्वभावतः हित पदार्थ का भी विधिरहित सेवन किया जाए तो अहितकर होकर प्राणनाशक हो जाता है। इसमें अन्न का जो बता रहे कि अन्न जो है वो देह धारक होता है, लेकिन अगर उसको बासी ऐसे ऐसे खराब होके अगर अन्न का सेवन किया जाए तो वो आम विषजन्य दोष उत्पन्न होके मृत्यु मुख में पेशेंट रोगी को लेके चला जाता है। और युक्ति उक्त मिति अर्थात जैसे चरकोक्त रसायन प्रयोग का निर्देश किया गया है कि स्वर्ण भस्म जो है वो दो यव मात्र और शुद्ध विष एक तिल मात्र, इतना अगर सेवन किया जाए तो विष एक तिल मात्र सेवन किया जाए तो रसायन का कार्य करता है। स्वर्ण भस्म दो यव मात्र सेवन किया जाए तो वह रसायन का कार्य करता है। तो चरक रसायन अधिकार में ऐंद्र रसायन का प्रयोग लिखते समय महर्षि चरक कहते हैं कि ऐंद्रियादि द्रव्य प्रत्येक तीन प्रमाण, स्वर्ण भस्म दो यव प्रमाण और शुद्ध विष एक तिल प्रमाण, इतना अगर सेवन किया जाए तो यह रसायन का कार्य करता है। यहाँ पर अन्य द्रव्यों की अपेक्षा विष को एक तिल के बराबर ही लिया गया है, ना कि तीन यव प्रमाण में। इससे सिद्ध हो जाता है कि विधि पूर्वक मात्रा के अनुसार कोई भी चीज प्रयुक्त किया जाए तो विष भी लाभप्रद हो सकता है। तो उसी तरह से जो मद्य है उसको विधि पूर्वक सेवन किया जाए तो वह अमृत के समान होता है, ये इन्होंने बोला है। अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। डॉक्टर अनुरीता मैडम, आप क्या बोलेंगी मद्य के बारे में, रसायन के रूप में या प्राणनाशक सर? आप जो बता रहे हो, नहीं सर, पेन किलिंग में और इसमें जो रेफरेंसेस है वो सीरियसली काम करते हैं, क्योंकि हम जो लोग पीते हैं उनसे भी ये सुनते हैं। प्लस ऐसे रंकर इसमें जो एक्सीडेंट केसेस वगैरह होते हैं उसमें भी सर देखा है कि अगर उनका कुछ एम्पुटेशन वगैरह कुछ किया तो विदाउट एनेस्थेशिया किया जाता है। लेकिन सर वो जो आप यहाँ पे विधि बता रहे हैं वो उस तरीके से तैयार किया हुआ ही हम अलाउ कर सकते हैं लेने के लिए, तो वो बनने की विधि हमारे पास में होनी चाहिए, वो वैसा द्रव्य हमारे पास में होनी चाहिए। जी, इसमें टिप्पणी पढ़ते हैं, मद्य का औषध योजना में रोग नाश के लिए आवश्यक होने पर ही प्रयोग करना चाहिए। मद्य स्वस्थ मनुष्य व्यक्ति को हितकर नहीं है, क्योंकि ओज में गुरु शीत मृदुष लक्षणम बहुल मधुर स्थिर प्रसन्न पिचल स्निग्ध, ये 10 गुण होते हैं जो मद्य के लघु उष्ण तीक्ष्ण उष्ण सूक्ष्म अम्ल वैवाय आशुरुक्ष विकासी और विशद, इन 10 गुणों के सर्वथा विपरीत हैं। अतः मद्यपान ओज के 10 गुणों को शुद्ध कर चित्त को विकृत करके मदात्य रोग को उत्पन्न कर देता है। साधारण मात्रा में मद्य का जो गुण है चित्त में उत्साह बुद्धि स्मृति और प्रीति उत्पन्न करता है। प्रथम मद के लक्षण में ये बताया है, ये ओज के अल्प मात्रा में शुद्ध होने के कारण है। ओज किंचित उत्तेजित होकर अधिक कार्य करने लगता है, जिससे शक्ति बढ़ी हुई
मालूम होती है, किंतु उस मध्य के पद जाने पर वे शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, यहाँ तक कि पहली स्थिति से भी अधिक क्षीणता मालूम होती है। इससे सिद्ध होता है कि अल्प मध्य भी हानिकर है, अतः धर्म ग्रंथों में इसे हानिकर बतलाया गया है। जिस प्रकार अग्नि पर पात्र में रखा हुआ दूध आग लगने पर पात्र में उबलता और मात्रा में बढ़ा हुआ मालूम होता है, किंतु अग्नि का वेग कम होने पर फिर उसी दशा में हो जाता है और दूध जलकर बढ़ने के बजाय कुछ कम हो जाता है। अग्नि का वेग इस पे बताया कि अग्नि का वेग होने पे ये किस तरह होता है। यही दशा ओज की है। इस रूपक में ओज को दूध और शरीर को पात्र और मध्य को अग्नि समझना चाहिए। रोग की दशा में रोगी को अनुकूल पड़ने पर ही मद्य सेवन उचित है, स्वस्थावस्था में उचित नहीं है। मध्य की अन्न से उपमा दी गई है, इससे भी स्वस्थावस्था में मध्य का पीना सिद्ध नहीं होता, किंतु मूल श्लोक में युक्तियुक्त पद युक्ति पूर्वक सेवन का ही महत्व बताया और सेवन की युक्ति भी है, किंतु किस लिए? शुदा को नाश करने के लिए। शुदा क्या है? स्वाभाविक व्याधि है, यथा स्वभाव बल प्रवृत्ता, शुद्ध पिपासा, जरा मृत्यु, निद्रा प्रवृत्तियां। सारांश है कि अन्न स्वाभाविक व्याधि शुदा का नाश करता है, किंतु शुदा व्याधि के अभाव में हानि करता है। अतः सिद्ध होता है कि जैसे कि अन्न शुदा रूप व्याधि में औषध रूप में लाभप्रद है, वैसे मद्य भी मद्दात्य आदि व्याधि में औषध रूप से लाभप्रद है, अन्यथा दोनों ही हानिप्रद है। स्वस्थावस्था में मद्य का सेवन सब प्रकार से निषिद्ध सिद्ध होता है, ऐसा बता रहे। हम लोग जो आसावरिष्ठ का प्रयोग करते हैं, आप लोगों के पास जब पेशेंट आते हैं तो जैसे उदर रोग के पेशेंट आए जिसमें अग्नि मान्यता है, तो आपने अगर उसमें कोई पेशेंट दवाई नहीं लेना चाहता और केवल अपने कोई जैसे पुनर्नवास हो या द्राक्षस हो द्राक्षारिष्ट ये दिया, तो वो मेडिसिन के रूप में उदर रोग पूरा ठीक कर देगा। किसी को श्वास कष्ट है और आपने आसावरिष्ट दिया तो वो पूरा ठीक कर देगा। इस पर आप लोगों को कुछ बोलना है तो बताइए। अनुरिता मैम, आपने कोई पेशेंट ठीक किए हैं क्या आसावरिष्ट का प्रयोग करके? सर, आसावरिष्ट के बारे में मैं बोलने वाली थी, शायद इसकी विकासी गुण जो हमारे इसमें बताए गए वहीं से ये कल्पनाएं उद्भूत हुई होंगी, क्योंकि आसावरिष्ट तो बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं सर, लेकिन काफी लोगों का क्वेश्चनिंग रहता है सर। आजकल जो रेडीमेड हम बाहर से मार्केट से लेते हैं आसावरिष्ट, तो उन अरिष्ट में सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल रहती है, तो उसका हम एक्सप्लेनेशन कैसे दें? क्योंकि मैं तो यूज करती हूँ सर आसावरिष्ट, अनुपानार्थ भी यूज करती हूँ, मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूज करती हूँ। प्रयोग करने के लिए बोला ही है ना आपने आचार्य ने? हाँ सर, लेकिन मतलब काफी लोग पूछते सर, तो उनको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कैसे दें? मैं तो इसका एक्शन फास्ट होता है, व्यवहारिक विकास इसका जो नेचर है वो मेडिसिन को भी फास्ट डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है, इस वजह से यूज करते हैं। और जब कोई दूसरा ये नहीं रहता है, आम का पचन करता है, ये सब बताइए ना। हाँ, अग्नि को नहीं, नहीं, ये तो बताती हूँ सर मैं, लेकिन सर काफी सारे मतलब मैंने भी उसके ऊपर पढ़ा हुआ देखा है, बट प्रैक्टिकली आई डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन कि हम जो शास्त्रोक्त मध्य बनाने की कल्पना और हमारा जो अरिष्ट है उसमें सेल्फ जनरेटेड 20-60% तक रहता है। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये जो अपना आसावरिष्ट है ये मध्य कल्पना में ही आता है, लेकिन ये क्या होता है कि हमारे मेडिसिन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, वही तो ये बोल रहे हैं युक्ति पूर्वक जो भी मध्य है उसका सेवन किया जाए तो वो अमृत के समान होता है। सर, इसको फिर देते वक्त में हमने कुछ डेज वगैरह कुछ कंटिन्यूशन या जैसे हम रेसोल्यूशनली 42 डेज के बाद में डिस्कंटिन्यू करते हैं, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए फिर इसके? होता है आसावरिष्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, अग्नि मान्यता एक एक साल तक भी हम लोग आसावरिष्ट दे सकते हैं, जब तक व्याधि पूरा ठीक रहता है हम कंटिन्यू देते हैं। कनकासव तो हम लोग देते ही है ना, कनकासव, सोमासव, लोहासव, दशमलारिष्ट, कुमारियासव, कितना है। आशा जी आप कुछ बोलेंगी? जी, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को। आसावरिष्ट के बारे में मेरा बहुत अच्छा अनुभव है सर, जैसे अपना आप अनुपान में कुछ भी दे दो, दशमलारिष्ट हो गया, सारश्वतारिष्ट हो गया, तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन एक जो दिक्कत आती है प्रैक्टिस में वो मैंने देखी है कि जब आप प्लास्टिक बॉटल में यूज किए, मतलब प्लास्टिक बॉटल के अंदर जो आसावरिष्ट आते हैं ना उनका आप अगर यूज करते हो तो उसका रिजल्ट कम मिलता है। मे बी शायद उसके गुण जो प्लास्टिक की वजह से चेंज हो जाते होंगे,
लेकिन जो कांच की बोतल में मिलते हैं जैसे सांडू वगैरह के, तो उसके आसावरिष्ठ का अच्छा रिजल्ट है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि अगर आसावरिष्ठ बनाया भी है तो वो कितना पुराना है और उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, वो एक बार चेक कर लेना चाहिए, तभी वो उसका सूक्ष्म स्त्रोतोगामी जो इफेक्ट है वो हम पा सकते हैं पेशेंट के अंदर, जैसा हमें चाहिए वैसा। इफ एम आई रॉन्ग, एनीवन कैन करेक्ट मी। पहले तो चीनी मिट्टी का जो बड़ा बड़ा ऐसा होता था उसमें यूज करके फिर कांच की बोतल में आता था, वो ज्यादा अच्छा रहता था। प्लास्टिक, हाँ जी सर, वही मैं बोल रही हूँ। आजकल जो प्लास्टिक की बोतल में पैक करके देते हैं ना, उसमें उसकी गुणवत्ता उतनी नहीं रहती है, तो वो जो हमें पेशेंट के अंदर रिजल्ट चाहिए वो मिलता नहीं है। कई बार हम लोग बोल देते हैं हाँ चलो आपके पास जो भी शॉप में अवेलेबल है वो ले लेना, लेकिन उसका फिर रिजल्ट नहीं मिलता इतना। मेरा यही मानना है कि आसावरिष्ठ अगर आपने यूज करना भी है तो कांच की बोतल में जो मिलते हैं वो यूज करने चाहिए, क्योंकि हर एक के पास तो ऐसी अवेलेबिलिटी होती नहीं है कि अभी वो मिट्टी के बर्तन में बनाए घर पे खुद करें। ठीक है, और बाकी किसी का कोई अनुभव है तो बताइए। मध्य कल्पना, पवन जी कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। प्रणाम सर, मैं आज एक ऐसी जगह हूँ, मैं कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं हूँ। क्लास है, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोले, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें विधि से मद्य पीने के फल बता रहे हैं, चौथा पांचवा छठवां नंबर का श्लोक देखिए। इसमें बोल रहे हैं कि विधिना मात्रया काले हिते रन्नेर यथा बलम प्रहृष्टो यह पिबेद मद्यम तस्य स्याद अमृतोपमम तेजो विक्रम एवच विधिवत सेव्य माने तो मध्य सन्निहिता गुणाः। इसमें ऐसा बोल रहे हैं, और ये भारत के कंडीशन के हिसाब से बोल रहे हैं कि विधि से मध्य पीने के क्या क्या फल होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि विधि से उचित मात्रा में उचित समय पर हितकर भोजन के साथ प्रसन्नता से जो मनुष्य मद्य पीता है उसे अमृत के समान गुण प्राप्त होता है। स्निग्ध भोजन अथवा मांस का सेवन करें, अन्य भक्ष्य के साथ मदिरा पीने से आयु और बल की वृद्धि होती है, शरीर पुष्ट होता है, और विधि पूर्वक मदिरा का सेवन करने से सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है, संतोष मिलता है, तेज और बल की वृद्धि होती है। मदिरा में ये हितकर गुण है। मेरे कुछ क्लासमेट हैं जो वहां से आते हैं, फॉरेन से आते हैं, लंदन से आते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि हम तो रोज पीते हैं ये सब, एप्पल का और अलग अलग फ्रूट्स का पीते हैं, और उनकी स्किन एकदम सॉफ्ट रहती है। तो वो लोग विधि पूर्वक सेवन करते हैं तो बहुत यंग दिखते हैं हर समय। तो ये बताया कि विधि पूर्वक मध्य का सेवन करने से क्या क्या फायदा हो जाता है। इसमें मन संतुष्ट हो जाता है, शरीर मुखमंडल तेजस्वी प्रतीत होता है, और मनुष्य में बल और स्फूर्ति पाई जाती है जब विधि पूर्वक अगर सेवन किया जाए तो। आप लोग कुछ बोलेंगे? मुकेश साहू जी, अच्छा नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक कंडीशन बताइए कि प्रथम मध की अवस्था, द्वितीय मध की अवस्था, तृतीय मध की अवस्था और चतुर्थ मध की अवस्था, ये जानना बहुत जरूरी है और हमें पेशेंट में एनालिसिस करना चाहिए। प्रथम मध के लक्षण ऐसा बता रहे हैं कि बुद्धि स्मृति प्रीतिकर सुखश्च पानान्न निद्रारति वर्धनश्च संपाट गति स्वर वर्धनश्च प्रोक्तो अति रम्यः प्रथमो मदो ही। इसमें बोल रहे हैं कि उक्त विधि के विपरीत मध्य का सेवन करने से मदात्य रोग उत्पन्न हो जाता है, और वह तीन प्रकार का होता है, पूर्व मद, मध्यम मद, अंतिम मद। क्रम से उनके उदाहरण कहते हैं। जब पहला अवस्था रहता है तो बुद्धि और स्मरण शक्ति ठीक रहता है, प्रसन्नता और सुख मिलता है, खाने पीने में और नींद में अनुराग बढ़ता है, पढ़ने और गाने में स्वर की वृद्धि होती है। ये पूर्व मध के लक्षण होते हैं, मतलब इसमें पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है और यह पॉजिटिव इफेक्ट वाला रहता है। प्रथम मध की अवस्था, इसमें बुद्धि स्मृति और प्रीति बढ़ाने वाला होता है, सुखदायक होता है, खाने पीने और सोने में रुचि बढ़ाने वाला होता है, मनुष्य अच्छी तरह से बातचीत कर सकता है, निशंक होकर गा बजा सकते हैं, ऊंचे स्वर से व्याख्यान आदि दे सकते हैं। आजकल देखा गया कि कई कवि तब तक कविता कर पाते हैं जबकि एक आध चुस्की मद्य पी लेते हैं,
कुछ गवैये उपदेशक ऐसे देखे जाते हैं जो मध्य पीकर की मद के विरोध में ये व्याख्यान और भजन आदि द्वारा प्रचार करते हैं। वे मध्य का चुस्की लेकर सब बातों को भूलकर अपने वक्तव्य विषय पर निश्चित होकर बोला करते हैं। यह प्रथम मध्य के अति रमणीय होते हैं और इसमें पीने वाला सब दुखों को भूलकर और भ्रम गलत करके सुख ही सुख का अनुभव करता है। यह प्रथम मध्य की अवस्था है और इसमें अमृत के समान गुण की प्राप्ति होती है जब हम उचित आहार देश काल मात्रा का विचार करके इसका सेवन करते हैं। प्रथम मध्य की अवस्था है। इसके बाद में द्वितीय अवस्था पढ़ते हैं। द्वितीय मध्य का लक्षण है, 8वां नंबर का श्लोक है। इसमें बोल रहे हैं कि अव्यक्त बुद्धि स्मृति वाग विचेष्टः स्वन्मत्त लीला कृतिर प्रशांतः अलस्य निद्रा भेतो मुहुश्च मध्येन मत्तः पुरुषो मध्येन। इसका मतलब है कि मध्यम मद में ये सेकंड स्टेज आ रहा है, इसमें बुद्धि वाणी और स्मरण शक्ति ठीक नहीं रहती है, चेष्टा बिगड़ जाती है, मनुष्य उन्मत्त के समान आचरण करता है, आचरण ठीक नहीं रहता है, बार बार आलस्य और नींद आती है, ऐसा कंडीशन रहता है। इसमें इंसान जो है वो पागलों की तरह नाश्ता करता है, फिर उसके बाद में उसकी बुद्धि स्मृति और वाणी अव्यक्त विलुप्त हो जाती है, उसके सोचने समझने की शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है, ना बोलने की शक्ति रहती है ना स्मरण शक्ति ठीक रहती है, वह उलझुल भटकते रहता है, उलट पुलट हरकते करता रहता है, पागलों की तरह नाचता है और हृदय सत्व के दब जाने से मानसिक शांति का भी ह्रास हो जाता है, और ऐसा शराबी तो अशांत रहता है और तत्काल भड़क उठता है एवं बार बार आलस्य निद्रा से पीड़ित होता रहता है, बार बार उसको नींद आती है। ये सेकंड अवस्था रहती है। इसके बाद में तृतीय अवस्था, इसमें बोल रहे हैं गच्छेद गम्याश्च गुरुश्च मन्येत खादित अभक्षणानि च नष्ट संज्ञः बुर्याच गुहानि हृदय स्थितानि मदे तृतीय पुरुषो अस्वतंत्रः। इसमें तृतीय मद में मनुष्य अगम्य मतलब गुरु पत्नी आदि स्त्रियों से गमन करने लगता है, बड़ों का आदर नहीं करता है, गाली गलौज करता है, अभक्ष्य न खाने योग्य पदार्थ खाता है, संज्ञा नष्ट हो जाती है, हृदय की गुप्त बातें कहते रहता है और इस मद में मनुष्य अस्वतंत्र नशा के वश हो जाता है, ऐसा बता रहे हैं। इसमें वह कुछ भी ऐसे गलत काम करने लगता है कि जैसे गुरु पत्नी या सगे संबंधियों की पत्नियों से छेड़खानी करने लग जाते हैं, वह टूटी फूटी और खतरनाक सवारी करने लगता है, हर व्यक्ति जीवन का संशय बना रहता है, गुरुजनों की प्रतिष्ठा नहीं करता है न उसको उनकी आज्ञा को मानता है और वह मांस अथवा अन्य गंदे गंदे अभक्ष्य पदार्थों को खाता है। मनुष्य इतना भुलक्कड़ हो जाता है कि उसे अपने घर वालों का नाम भी याद नहीं रहता है और मनुष्य संज्ञाहीन होकर नाली में मुंह किए पड़ा रहता है, कहीं पर भी पड़ जाता है। मद मस्त मनुष्य अपने मन की गुहे बातों को प्रकट करने लगता है और नशे में डूबकर पराधीन हो जाता है। ये तृतीय अवस्था है। इसके बाद की अवस्था जो है चतुर्थ मद की अवस्था, ये 10वां 11वां नंबर श्लोक पढ़ते हैं। चतुर्थ मदे मूढ़ो भग्न दार्विव निष्क्रिय कार्य कार्य विभाग्यो मृतादप्य परो मृत को मदम तादृशम कच्चिदुन्मादमिव चापरम बहुदोषमिव अमूढ कांतारम स्ववशः कृति। इसमें मनुष्य मूढ़ हो जाता है, टूटे हुए वृक्ष के समान क्रियाहीन हो जाता है, करने योग्य न करने योग्य कामों को समझता ही नहीं है, उसकी दशा मूर्धे से भी बढ़कर हो जाती है और अधम हो जाती है, उन्माद के समान ऐसे निंद मध्य को कौन मनुष्य पसंद करेगा, हिंसक पशुओं से व्याप्त दुर्गम वन में जाने के समान इस निंदित मध्य को कोई विचार करके स्वतंत्र मनुष्य प्राप्त नहीं होगा। मतलब इसमें क्या होता है कि मनुष्य लकड़ी के समान निष्क्रिय होकर गिर जाता है, उसे कार्य कार्य की व्यवस्था का कुछ पता ही नहीं रहता है, मुर्दे से भी गया गुजरा दिखता है, कौन ऐसा समझदार कर्तव्य कर्तव्य को समझने वाला और अपनी इंद्रियों का पूर्ण नियमन रखने वाला ऐसा होगा। इसमें मनुष्य इस प्रकार नशे को नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर वो कंट्रोल नहीं रहता और पीते रहते हैं तो चतुर्थ मद के लक्षण आ जाते हैं। आप लोग कुछ बोलेंगे क्या इस पे? आपके पास ऐसे पेशेंट आते होंगे? ये चार स्टेजेस रहते हैं मद के। जी सर, हमारे पास ऐसे पेशेंट काफी आते हैं और डिस्कस भी हुआ है आगे। ऐसा ही एक पेशेंट था मेरे पास जो डायबिटिक भी था और सिरोसिस ऑफ लीवर के भी उनको सिम्टम्स दिखने लग गए थे, लेकिन सर वही वो मद का उनको इतना नशा चलता रहता था ना, तो वो मानते ही नहीं थे, कितनी बार मना करने पर भी। मेडिसिन कराओ फिर उसके बाद वही
15-20 दिन ठीक रहते थे, फिर वापस वही स्टेज आता था। तो एक बार तो ऐसा हुआ, शादी में हो गए अपने फैमिली के साथ, और वहां पे उन्होंने इतना मदिरा पान कर लिया कि आते टाइम वो अपने फैमिली को ही भूल गए कि मेरा फैमिली भी साथ में आया है, वो छोड़ के चला है, और बीच में रास्ते में कहीं तो जाके बेहोश हो गए। जी, ये जो सारे लक्षण यहाँ पे बताए हैं ना, वो सारे लक्षण दिखते हैं पेशेंट्स में प्रैक्टिकली भी। जी, एक मैंने ग्रुप में भेजा है, वो जो एकनाथ शिंदे जी है ना, इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है पुराना वाला, कि ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, एक आप देखिए एक बार, ग्रुप में मैंने भेजा है, बहुत वायरल चल रहा है महाराष्ट्र में ऐसे, ये ऐसे वीडियोस। इसमें सर स्टेज की बात करें ना, अल्कोहल के अंदर अगर अगर आदमी शुरू में थोड़ा सा लेता है ना, तो जो होता है ना पीने वाले का, पहले तो उसको बहुत अच्छा अच्छा लगता है, जैसे यूफोरिया, बहुत अच्छा सा हवाओं में उड़ता है, फिर उसके जो स्पीच और जो इमोशंस है वो अलग अलग देखने को मिलते हैं, और कंसंट्रेशन पावर उसका थोड़ा थोड़ा सा कम होता जाता है। जो सेकंड स्टेज में आता है ना सर, उसमें उसमें आदमी फिर पूरा हंसी खुशी भी होता है पहले, फिर धीरे धीरे क्या होता है, इरिटेट होने लग जाता है, और फिर उसका कभी वो मतलब कुछ उलट सुलट बोलने लग जाता है, और ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वॉमिटिंग आ रही है, और फेस भी उसका रेड हो जाता है बिल्कुल सर, मतलब, और ऐसे ही अजीब अजीब सा लगता है उसका, जैसे आंखें फैली फैली सी। और जो थर्ड स्टेज में सर हम पेशेंट आते हैं, मोस्टली थर्ड स्टेज, सेकंड और थर्ड स्टेज में ही आते हैं, जो सेकंड स्टेज में जब पेशेंट आते हैं ना, तो वो क्या करता है ना, आप सुना बकता है, और मतलब उसको वॉमिटिंग वाला होता है, फेस उसका रेड होता है, और सर उसको ऐसा भी लगता है जैसे कि पल्स बहुत हैवी चल रही है, और इतना बदबू आता है, और हम अगर हम उसको क्लिनिकली एग्जामिन करें तो उसका प्यूपिल्स कभी भी देखे ना, हम ऐसे देखते हैं, अगर सेकंड स्टेज में होगा तो उसका प्यूपिल डायलेट मिलेगा, हमें पता लग जाता है ये सेकंड स्टेज में इसने 5-6 पैग ही लिया, 9-10 पैग में तो पूरा कोमा में ही चला जाता है पेशेंट, और फिर जब बिल्कुल ही लास्ट स्टेज में होता कोमा टाइप में, उसमें स्लर्ड होता सर, चक वो चल नहीं पाता, गिर जाता है, और उसका जो पल्स है वो भी थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, और सर उसकी बेसिक स्पेशलिटी हम देखते हैं उसको सर हाइपोथर्मिया हो जाता है, और प्यूपिल भी इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखने का आइडिया लग जाता है ये सेकंड स्टेज वाला है या थर्ड स्टेज वाला है इसमें। और सर अगर मतलब जो हम देखें तो फर्स्ट जो अल्कोहल का जो फर्स्ट एक्शन होता है ना, वो हमारा फोर ब्रेन पे होता है, इसमें हमारा मोटर कोऑर्डिनेशन वगैरह खराब हो जाता है, और जो जो थर्ड जो सेकंड एक्शन होता है वो मिड ब्रेन के ऊपर होता है, उसमें इमोशन वगैरह थोड़ा थोड़ा ब्लैकआउट सा भी होने लग जाता है, उसको कहता कई बार पेशेंट को मेरे को ना अब थोड़ा सा दिखना भी कम कम से हो रहा है, और जो थर्ड फाइनली जो अल्कोहल की स्टेज होती है वो ब्रेन लास्ट वाली स्टेज होती है जो ब्रेन स्टेम के ऊपर होती है, उसमें यही रहते सर, जो पेशेंट को खाना नहीं खाएगा, और हार्ट रेट का और टेम्परेचर दोनों चीजों पे इफेक्ट उसको ज्यादा मिलता है, हैंगओवर की, फिर हैंगओवर की स्टेज आने लग जाती है उसकी, ऐसे ऐसे पेशेंट हम देखने को मिलते ही है, और हाइपोग्लाइसीमिया भी इसका सर है कि मतलब जब मेरे पास जो पेशेंट आता है ना, कई बार कोमा का पेशेंट आता है, तो मैं उसको कैसे मैनेज करता हूँ, पेशेंट आया अनकॉन्शियस स्टेज में पेशेंट है और बिल्कुल उठ भी नहीं पा रहा, तो मैं उसका सर गैस्ट्रिक लवाज करता हूँ सबसे पहले, गैस्ट्रिक लवाज करने के बाद है ना, फिर उसको सलाइन लगाता हूँ, और 90% जो केसेस देखते हैं हम, उसमें हाइपोग्लाइसीमिया भी मिलता है, और थायमिन देते हैं, रेस्पिरेटरी सपोर्ट भी करते हैं, कई पेशेंट तो सर हमारे पास एक पेशेंट मैंने वो बहुत हाई फाई फैमिली का था, और इतना ज्यादा उसने अल्कोहल लिया हुआ था, और कम से कम भी 10-12 घंटे से वो बेहोश पड़ा था, उसका सर डायलिसिस किया, डायलिसिस के बाद वो पेशेंट ठीक हुआ, पूरा का पूरा ब्लड को वॉश किया उसका। सर मेरा एक प्रश्न था, ऐसे पेशेंट अगर हाइपोग्लाइसेमिक कोमा वगैरह में है, तो उसमें अगर हम तीक्ष्ण नस्य का उपयोग करें तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है या फिर? हाइपोग्लाइसीमिया तो आपको वो देने से होगा ना, आप आरटी डालो,
आरटी अगर हाँ वो बाद तो में इंसर्ट कर चीज देते पीने हैं के मूड में इसीलिए, नहीं, हाँ आरटी इंसर्ट करके ना या तो सलाइन अवॉइड लगाओ, करना चाहिए वास भी कर लो सलाइन लगाओ, सलाइन लगाना। अगर सलाइन आप नहीं लगा सकते राइस ट्यूब तो आप एटलीस्ट आपके हॉस्पिटल में जी जी होनी जी चाहिए, राइस ट्यूब डालो और उसमें मीठा डाल दो कुछ भी घोल के। जी हाँ सर, वो स्टमक वॉश का तो मुझे आइडिया है, लेकिन एक आयुर्वेदिक पद्धति से अगर उपचार करना चाहे तो आई मैं थिंक वही तीक्ष्ण मैं नट्य। वही कह रहा हूँ, मान लो आरटी डालना कौन सा, मान लो हम एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाते, हमने ड्रिप नहीं लगानी, हमारे सेटअप में ड्रिप वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, आरटी तो मैम हम डाल सकते हैं, डाल के उसको वो कर दो। हाँ आरटी डालो तो उसमें मीठा पानी डाल दो चीनी घोल के, तो हाइपोग्लाइसीमिया तो वहीं से टूट जाएगा पेशेंट का। और अगर पेशेंट कोमा में रहेगा तो उसमें भी तो संज्ञास्थापन करने का कुछ यूज करना पड़ेगा ना। वेट एंड वॉच करना, देखो कोमा में आपको पेशेंट को कोमा में देखना है उसका रेस्पिरेशन कैसा है, ठीक है ना, अगर गैस्पिंग में मैम तो फिर तो वेंटिलेटर पे जाएगा ना पेशेंट, जी अगर हम गैस्पिंग वाले पेशेंट को देखे तो हो जाएगा उसका फिर काम, वो सीओटो नार्कोसिस में लैंड करेगा और हाइपर वेंटिलेट करेगा, उसके बाद ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम जाएगी, अल्टीमेटली पेशेंट का फिर जाएगा कोमा में और डेथ में चला जाएगा। जी, हाँ हाँ तो तो सर उसी के मतलब लिए वो पूछ रही हूँ मैं, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। आइए देखो वो जो हमारे तीक्ष्ण नस्य वगैरह होते हैं ना मैम, हम उसको पेशेंट को एग्जामिन करके तभी हम कर सकते हैं, मान लो तीक्ष्ण नस्य तो हम वहां दे सकते हैं ना, अगर पेशेंट का आपको पल्स सही मिल रहा है, बीपी जी पेशेंट का सर, हाँ सही है, ठीक है ना मैम, सर, तो और वही सर आपने जैसे हाँ बताया स्टमक वॉश वगैरह करने के बाद अगर पेशेंट थोड़ा सा अनकॉन्शियस से सेमी में आ रहा है तो उस टाइम यूज कर सकते हैं क्या, ऐसा मेरा प्रश्न है। उसमें मैम आपके पास सिर्फ 10 मिनट होते हैं, 10 बार 10 मिनट, क्योंकि ज्यादा टाइम तो वेट एंड वॉच कर नहीं सकते ना पेशेंट को, मान लो पेशेंट को हाइपोक्सिया में जा रहा है, गैस्पिंग पे स्टेज में जा रहा है, ठीक है ना, उसमें तो फिर हमें जल्दी से जल्दी आईसीयू शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ पेशेंट आपका तो स्टेबल लग रहा है, ऑक्सीजन लेवल सही है, अनकॉन्शियस पेशेंट हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट को लग रहा है, 5 से 1 मिनट आरटी डालने में लगेगा, 1 मिनट वो गर्म वो पानी डालने में लगेगा, उसमें मीठा पानी डालने में लगेगा, 3-4 मिनट के बाद उसका इफेक्ट आ जाएगा मैम उसमें, देखते हैं एकदम से ना जैसे जी पिपिल का देखते रहना है आपको, बिल्कुल कंसंट्रेटेड वो नहीं हो रहे, पिन पॉइंटेड तो नहीं हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टेड तो नहीं ज्यादा हो रहे हैं, लाइट के साथ जी रिएक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पेशेंट को हाइपोथर्मिया है क्या है, वो सारी चीजें डॉक्टर के स्किल्स पे डिपेंड करती है ना मैम, ऐसा ना हो ना हमें आता सब कुछ हो, कई बार हम गलती कर जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में फिर वो मैम हमारा ना मतलब नुकसान ही करता है वो। जी सर, तो ये एक हो सकता है कि हम जैसे स्टमक वॉश आपने बताया वैसे कर सकते हैं, और दूसरी बार जो वॉश कराए उसके अंदर संज्ञासापन स्थल की गण की औषधियों का डुश दे दे, जैसे स्टमक डुश बोलते हैं उसको, तो वो हम कर सकते हैं शायद। हाँ उसमें मैम बल्ले आपको देना होता है, देखो बल्ली और संज्ञासापन गण। उसमें कोई भी ऐसी चीज देनी चाहिए जो बॉडी को बल करे, ओज ओज क्या करता है, ये ओज का ही तुमने अक्षय करता है, ओज में क्या होता है पूरी बॉडी नीरसता को चली जाती है, बॉडी मतलब वो काम करना बंद कर देती है, हमने ऐसी दवाइयां डालनी फिर उसमें जो ओज को बढ़ाए, जी जी सर, हाँ मैं वही, मेरा आइडिया वही है, वही मैं बोलना चाह रही थी। तो बॉडी को एकदम पावर दे। जी सर ठीक है, थैंक यू। बाकी किसी को कोई एक्सपीरियंस है तो बोले इसमें, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। हाइपोग्लाइसीमिया में तो तीक्ष्ण नस्य से अच्छा है कि बृहन नस्य देना चाहिए, वहां पे तो ये हो गया ना, कर्षण हो गया है तो वहां हाँ पे। तो वही बात है ना सर, देखो जब हाइपोग्लिसीमिया पेशेंट को होएगा तो सारे बॉडी के जो रहेंगे वो डिटैच हो जाएंगे, बॉडी के ब्रेन काम नहीं करेगा, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, संज्ञा वहना, तो अगर पेशेंट को तीक्ष्ण नस्य का तो मैं सोचता हूँ जहां वहां ही हो जाएगा, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बिल्कुल ओके है, पेशेंट की पल्स बिल्कुल ओके है और रेस्पिरेशन बिल्कुल ओके, वहां आप अगर तीक्ष्ण नस्य का यूज करेंगे तो वहां हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। जी और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। आज सरोज सर कहाँ गया, सरोज सर आवाज है नहीं। ना, सर सरोज मिश्रा जी बॉस बोलिए, कैसे हैं आप, कुछ बोलेंगे इस पे, आपने 4 स्टेजेस में पेशेंट देखे हैं मत देखे।
पवन बॉस ने बढ़िया बता दिया सर। उसमें एक्चुअली क्या होता है कि वही रिपीट करूंगा मैं ज्यादा, इसमें हमारे बोलने लायक है नहीं। इसमें जो हमारा ब्रेन का रीजन होता है फ्रंटल सेरिब्रम का फ्रंटल रीजन और इसका हिप्पोकैम्पस ब्रेन स्टम का ब्रेन स्टेम का हिप्पोकैम्पस ब्रेन स्टेम का बोलेंगे या लिम्बिक सिस्टम का बोलेंगे, लिम्बिक सिस्टम का बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है हिप्पोकैम्पस। अच्छा, तो इसमें इफेक्ट होता है ये फ्रंटल रीजन में भी मोटर वाला एरिया जो हमारा सेरेब्रम का फ्रंटल रीजन का मोटर एरिया फ्रंटल लोब में होता है। अच्छा, ये फ्रंटल लोब सारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को क्या कहते हैं कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मूवमेंट को जो कंट्रोल करेगा तो क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी सेंटर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स सारे के सारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को इनिशिएट करता है और उसके बाद प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के आगे होता है प्री मोटर कॉर्टेक्स जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स ने मूवमेंट को इनिशिएट किया तो उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा प्री मोटर कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे इफेक्ट होता है इसका अल्कोहल का। अच्छा, उसके बाद इसका एक रीजन आता है ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया। तो मोटर स्पीच एरिया जो हम बोलते हैं वो भी इफेक्ट होता है इसमें, तो अल्कोहल की थर्ड स्टेजेस में। तो जो भी हमारे वर्ड्स हैं वो सब हमारे डिस्टर्ब वगैरह निकलते हैं ऐसा करके। चौथा एरिया जो होता है इसका ये होता है ब्रेन का सेरिब्रम का जो हमारा फ्रंटल लोब का जो चौथा एरिया होता है तो वो हायर फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो हायर फंक्शंस में रीजनिंग है, थिंकिंग है, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें हमारी उसमें डिस्टर्ब हो जाया करती हैं। अच्छा, अगला जो हमारा इसका ब्रेन का इफेक्ट करता है वो ब्रेन स्टेम में लिम्बिक एरिया में हिप्पोकैम्पस इफेक्ट होता है। तो ये आपका जो काम करता है वो भी हायर फंक्शन से करता है तो उसकी वजह से ये ब्रेन में हमारा पूरा इफेक्ट होता है। अच्छा, जो 5 इफेक्ट अल्कोहल के ब्रेन को होते हैं, एक तो डिफिकल्टी वॉकिंग में डिफिकल्टी डायरेक्टली रिलेटेड विद द मोटर एरिया, ब्लर्ड विजन, आंखों में भी इफेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीपिटल लोब को भी इफेक्ट कर रहा है क्योंकि विजन का काम हमारा ऑक्सीपिटल लोब का है ब्रेन का। स्लर्ड स्पीच ये ब्रोकाज मोटर एरिया का काम है। डिफिकल्ट वॉकिंग, ब्लर्ड विजन, स्लर्ड स्पीच, स्लोड रिएक्शन टाइम्स, मतलब रिएक्शन टाइम कोई किसी ने कुछ आपको मोटरसाइकिल आ रही है मोटरसाइकिल के आगे हमें रिएक्शन टाइम अच्छा है मोटरसाइकिल से दूर हट गए और अगर जो हमने अल्कोहल ले रखी है तो मोटरसाइकिल आ गई चढ़ गई उसके बाद हम सोच रहे हैं कि अब हम हटें या ना हटें। तो दैट इज इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। इम्पेयर्ड मेमोरी का इम्पेयर्ड हो जाता है। तो ये 5 हमारे इफेक्ट जो ब्रेन पे होते हैं अल्कोहल के वो ये होते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर कई बार ऐसे भी होता है, मान लो हैंगओवर पेशेंट हो रहा, रात को ज्यादा पिए तो मॉर्निंग में उससे उठा नहीं जा रहा, तो थोड़ी मात्रा में हम उसको देते हैं तो पेशेंट तो फिर अच्छा फील करने लग जाता है। ये उसके, भी उसके पीछे कारण क्या होता है, करते तो हैं लोग ऐसा। तो और वैसे तो जैसे अल्कोहल आज पेशेंट लेके आया, फिर उसके बाद तो मैं जो द्रव्य चलाता हूँ ना 2-3 दिन के बाद उसमें तो मैं यही देता हूँ जो माइंड पे काम करने वाले है, जैसे ब्रह्मी दे दी, अश्वगंधा दे दिया, उसमें जटामांसी दे दी, शंख पुष्पी दे दी, ये ऐसे से जो ड्रग है ना वो ज्यादा मैं यूज करता हूँ। और जैसे आसवृष्टि भी कई बार दे देता हूँ, जैसे द्राक्ष सब वगैरह ना सेम नेचर का रहता है, पेशेंट उसमें थोड़ा फिर अच्छा फील करता है।
अच्छा, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कुछ लोग दही दही या मट्ठा, दही या मट्ठे का क्या इफेक्ट रहता है, मतलब बढ़ाता है या घटाता है? हैंगओवर कम करता है, धरीड का नहीं होता जो बगैर मक्खन निकाले ना दही को बिलो के उसमें देते हैं, तो उसमें पेशेंट को, उसमें क्या होता है सर, वो जो जैसे अंदर जलन होती है, दहा होती है और जलता सारा कुछ, गर्मी ज्यादा लगती है, वो सारा वो वाले सिम्टम सारे हट जाते हैं उससे। अच्छा, इसके अलावा बॉस ये हिप्पोकैम्पस रीजन एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे ब्रेन में, जैसे हमारे सेरिब्रम के चार पार्ट हो गए ना, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इसके बाद जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम उसमें ब्रेन में है वो है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में एक हमारा हिप्पोकैम्पस होता है, तो हिप्पोकैम्पस या हिप्पोकैम्पल रीजन जो होता है वो मेमोरी क्रिएशन के काम आता है, कि हमारी कोई भी जो मेमोरी है, जैसे हमने बचपन में साइकिल चलाई थी और साइकिल चलाने का तो काम हमारा जो कर रहा था वो फ्रंटल लोब में प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स ने किया था, कि उसकी वजह से हमने साइकिल चलाई, लेकिन मेमोरी जो क्रिएशन हुई वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के आगे बैठा प्री मोटर कॉर्टेक्स उसमें स्टोर हुई, और दूसरा यहाँ पे हिप्पोकैम्पस में स्टोर हुई लिम्बिक सिस्टम में लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये भी यहाँ पे डिस्टर्ब रहता है, अगर जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स और प्री मोटर कॉर्टेक्स की फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाए तो वो पैरालिसिस का काम हो जाता है ऐसा। जी सर, काफी मेडिकली जो एक्चुअली मॉडर्न के हिसाब से लेवल्स है उस, इसमें आपने तो एकदम बढ़िया बताया सब लोगों ने, लेकिन जो मेडिसिनली ब्लड के अंदर का क्वांटिटी दिखा जाता है तो राउंड अबाउट इंटॉक्सिफिकेशन जो है 0.01 to 0.05, इसका एक पैरामीटर रहता है कि जो ब्लड अल्कोहल कंटेंट BAC जिसे बोलते हैं, तो वहां पे ये अलाउबल परमिशन, या हम फर्स्ट स्टेज जो बोल रहे हैं जहाँ पे यूफोरिया वगैरह डेवलप होता है, वहां पे राउंड अबाउट जो BAC रहता है, मतलब ब्लड का जो कंटेंट है वो कंटेंट इसके अबव पहुंचता है, और इट इज राउंड अबाउट 0.03 to 0.012 के बीच में रहता है, जो एक्साइटमेंट लेवल और ये जो प्लेजर के लिए लीगली अलाउ करते हैं या फिर लेते हैं लोग, दैट इज अलाउड ड्यूरिंग 0.09 to 0.025, यहाँ पे कंटेंट मिलता है। और जो कंफ्यूजन और कोमा की स्टेज जो बाकी अपर ग्रेड स्टेजेस रहती है, तो कंफ्यूजन स्टार्ट्स व्हेन देयर इज BAC वैल्यू ऑफ 0.018 to 0.03। कोमाटस और जो हमारी ओज के अगेंस्ट जाने के बाद में जो कंडीशन वो इस एरिया इस स्टेज के बाद में शुरू होती है, लेकिन हमें एक अंदाजा से जो पेपर वैल्यूज है लाइक 0.025 तक अगर ये पहुंचती है तो उसके बाद में कंसर्न साइन जो पॉइजनिंग के है अल्कोहल के वो दिखाई देते हैं। कोमाटस कंडीशन के लिए आपका 0.035 ये लेवल रिस्की लेवल रहती है। यूजुअली जो डेथ पाई जाती है अल्कोहलिज्म से दैट इज ओवर 0.045, और मेडिको लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइविंग और ड्रिंक एंड ड्राइव का जो रूल है उसमें अगर BAC अप टू 0.08 या उससे ज्यादा हो तो उसके ऊपर लीगल चार्ज चढ़ता है सर। मैम मोटा मोटा इसने हिसाब किताब लगाया, वैसे इमरजेंसी के पेपर को देखो, पेपर वर्क तो करना ही करना है, मेडिकल लीगली में हाँ सर देखते हैं वो। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री पूछ लो, ये कितने दिनों से पी रहा है, कितने दिनों से पी रहा है, वो उसमें जो है ना उसके चांस कम होते हैं खराब होने के। जो न्यू वाले है ना, पहली बार में ही पैग कितना लगाया, दो पैग लगाया या चार पैग तक ही वो सारा उनका हालत खराब हो जाती है सर। एक्चुअली हमें पैक का मालूम नहीं है ना, इस वजह से कि पैक कितने का होता है या कितना ML होता है वो चीज मालूम नहीं है, तो हम ये टाइप से पूछे कि भाई कितना ले रहे हैं आप या कब आपको पैक की भी जानकारी दे दो। जो नॉर्मल पैक होता है ना 30-60 ML होता है, और पटियाला पैक 90 ML होता है, वो पंजाब में ही चलता है और किसी स्टेट में चलता नहीं है। आदि हो जाते हैं ना पेशेंट, वो एडिक्टिव, उसका एडिक्शन हो जाता है। कईयों को तो हाफ हाफ बोतल पी जाते हैं और लंबे टाइम से पी रहे तो उनको कुछ होता नहीं है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब नया नया पीना स्टार्ट करा, उसमें भी क्वांटिटी का, जैसे हमारा जो मिलता है इसके ऊपर जो ब्रांडेड रहता है
जिसको हम इंग्लिश स्वाइन बोलते हैं, तो ज्यादातर उसमें तो 42.5% ऐसा रहता है उसका अल्कोहल का। बाकी जो लोग घरों में बनाते हैं या रोड साइड पे ऐसा बिकता है उसका कोई क्वांटिटी नहीं रहता, और उसमें बड़े गलत तरीके से बनाते हैं। आवाज आ रही है मेरी सबको? हेलो। हाँ, उसमें वो गलत तरीके से बनाते हैं और उसका कोई वो नहीं रहता, वो कितना डिग्री का उसका क्या क्वांटिटी कितना रहता है, उसमें तो 60-70% तक भी होता है। और उसमें लोग आजकल क्या करते हैं, जो बेचने वाले लोग होते हैं ना खुद बना के, जो स्मगलिंग वगैरह का काम करते हैं, गलत गलत द्रव्य उसमें यूज करते हैं, उसमें नशे की गोलियां मिला देंगे और ऐसी वैसी आइटमें मिला देते ताकि उसकी तीक्ष्णता ज्यादा बढ़ जाए, और उसमें पता भी नहीं लगता कौन कितनी पी रहा है, और वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। और पहले तो इसको फर्मेंटेशन या डिस्टिलेशन से निकालते थे, आजकल तो लोग क्या करते हैं, वो एक जैसे आज गुड़ डाला, पानी डाला और उसके अंदर फर्मेंटेशन के लिए कुछ मार्केट में मटेरियल मिलता है वो डाल दिया, विद इन 24 आवर्स उसमें ये चूना होता है ना, कली चूना, वो डालते हैं। डालने के बाद वो 10-15 मिनट में तैयार हो जाता है, ऊपर वाला पार्ट उसको निकाल लेते हैं। वो इतना ज्यादा मतलब वो होता है, उसमें एसिडिक होता है, पूरा का पूरा बॉडी को अंदर से छील देता है। अगर ऐसी अल्कोहल कोई पीता है, जैसे ये गरीब इंसान होते हैं जो रोड पे काम करने वाले, उनका खाना पीना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अल्कोहल के साथ अगर आपको अच्छा फूड नहीं मिलेगा तो पूरा अंदर से जलाएगा, अंदर से खा जाएगा पूरी बॉडी को। तो वो लोग विद इन 2-3 मंथ में उनका काम हो जाता है। अगर कोई तरीके से पिए तो जैसे 30-40 ml तो वो तो एपिटाइजर का भी काम करता है, माइंड रिलैक्सेंट का भी काम करता है, तो अच्छा भी रहता है। मैं ये नहीं कर रहा, मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा, कभी कोई आज से जिसने कभी नहीं पीते तो स्टार्ट करना शुरू कर दे, मतलब अच्छा नहीं होता। मैं सर, दो प्रोफेशंस है सर, दो प्रोफेशंस है सर जो मैंने देखे कि वहां पे उनको वो लेना जरूरी देखा गया है, पर्टिकुलरली मॉर्टम हॉल में जो डेड बॉडीज का ये करते हैं कटिंग, या मोर्चरी वाले, और दूसरा जो ये लॉन्ग ड्राइव ओवरनाइट ड्राइविंग करते हैं वो हल्की मात्रा में अल्कोहल लेते हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स या हेवी कंटेनर व्हीकल्स चलाते उनके इसमें, और तीसरे जो फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं वो लोगों को मतलब वो लोग का कहना रहता है कि अगर ये लिया तो नींद आती है। तो जो हमारे इसमें बताया गया शायद वो लेवल होगा कि जहाँ पे उनका जो पेनफुल कंडीशंस वगैरह उसको रिलीव करता होगा, ये इमोशंस को कंट्रोल करता होगा। इमोशन होने की वजह से ना कोल्ड एरिया में भी इंडिकेटेड है, जैसे हमारे जो रहते हैं हमारे सेना के जो लोग रहते हैं इतना हाई उस पे रहते हैं और बहुत ज्यादा मैम उसका ठंड को वो करने के लिए वहां उनको इंडिकेटेड होगा, क्योंकि वो उष्णता देता है उसमें, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। पवन सर गुड मॉर्निंग जी। सर क्या क्या वैरायटी में आता है अल्कोहल मार्केट में, और इसमें अल्कोहल परसेंटेज क्या रहता है? अल्कोहल परसेंटेज जो सर स्टैंडर्डाइज है, जो वाइन शॉप में मिलता है, तो उसमें तो 42.5% होता है। जो बियर वगैरह होती है, एक वो ब्रीजर वगैरह होती है, उसमें कम होता है। जो दूसरी होती है उसमें तो 42.6 पता नहीं 5% ऐसा कुछ होता है, एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है, पर वो उसका हमें पता लग जाता है कितना वो है। बाकी जो घरों में बनाते हैं सर उसका तो कोई लिमिटेड डिग्री होता है। ये ताड़ी वाड़ी जो होती है इसका भी ज्यादा खराब रहता है, वो भी बेहोश होके लेट जाते हैं लोग। सपोज एक अल्कोहल एडिक्ट है, उनको कितने अमाउंट तक हम अलाउ कर सकते हैं रेगुलर लेने के लिए? सर पहले पूछना पड़ता है ना कितने दिनों से पी रहे हो और कितना पी रहे हो और आपके ऊपर कितना पीने से कितना असर आता है, ठीक है ना? फिर बता देते हैं ना, मैं कई बार पूछता हूँ अल्कोहल लेते हो तो बोलते हैं हाँ लेते हैं, कितना अमाउंट में लेते हो? इतना अमाउंट में लेते हैं। कितने दिनों से ले रहे हो? इतने दिनों से ले रहे हो। फिर उसका फूड हैबिट पूछते हैं सर, कितना फूड आप उसके साथ खाते हो, कौन कौन से टाइप का फूड खाते हो, ठीक है ना? अब जैसे अल्कोहल भी हो गया साथ में नॉन वेज भी हो गया, वो तो सारा सारा ग्रहणी दुष्टि ही करेगा, वो अग्निमान ग्रहणी दुष्टि करेगा जितना, फिर वो सारा का सारा उसमें उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल ये सारा कुछ बढ़ जाएगा। उसमें जो फूड का हैबिट कभी डिपेंड करता है किस से, और कई लोग तो ऐसे करते हैं सर विरुद्ध आहार सेवन करते हैं, शाम को मैंने लोगों को पूछता हूँ, रात को उन्होंने शाम को ड्रिंक ली और अपने उसके फ्रिज में ठंडा दूध रखेंगे और फिर रात को उठ के ठंडा दूध पी लेंगे।
और ऐसे लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम फिर 3-4 साल 5 साल के बाद देखने को अक्सर मिलती ही मिलती है। ओबिस्टी आ जाएगा, डीसीएमपी हो जाएगा, एल्को लीवर सिरोसिस वाले ये सारे लक्षण आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको एकदम मना नहीं करना चाहिए, एकदम कोई पेशेंट आए तो अगर आप तुरंत तो उसको बंद करें तो उसको बोलो कम मात्रा में करें, हम अपनी साइड बाय साइड दवाई दें जो भी उसको सर, अगर कोई अगर ये पूछे कि क्या सर बियर ले तो क्या वैरायटी में बैठ, कौन सी वैरायटी थोड़ी सी उनका बियर होता है और वोडका होता है, तो क्या वैरायटी जो थोड़ी सी लाइट रहेगी और वो ले सकते हैं अगर एडिक्शन छुड़ा रहा है तो। मैम मैं बियर की तो बहुत सारी वैरायटी आती है, उसमें लिखा होता है थंडर बोल्ट आती है एक वो। हमें जानकारी नहीं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि सर अगर कोई पेशेंट से पूछते हैं कि मैम छोड़ना तो है पर अभी धीमे धीमे छोड़ना चाह रहे हैं तो मतलब कौन सी। हाँ मैम उसको बोलो जो भी वैरायटी वो ले रहा है, देखो हजारों वैरायटी आती है, इतना तो मुझे भी नाम नहीं है, पोस्टर आता है, थंडर बोल्ट आता है, बड़ा कुछ आता है, तो ऐसे बोलो भाई जितना क्वांटिटी में ले रहे हैं उससे क्वांटिटी धीरे धीरे कम करते जाओ, और हम अपनी ड्रग जो है ना जो मेथिया ड्रग होती है जो माइंड को रिलैक्सेशन, बेसिक कंप्लेंट क्या होते हैं पेशेंट की, बेसिक यही होती है मैम, अगर अगर हम नहीं पियेंगे तो हमें भूख नहीं लगेगी, हम नहीं पियेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी, हाथ पैरों में कंपन होने लगता है उनको अगर कंपन, वो मैडम वो थायमिन की वजह से होता है, थायमिन एक जैसे बी बी कम्प्लेक्स जो रहता है ना उसी का ही पार्ट होता है, तो थायमिन हमारा हम शतावरी दे उसको अश्वगंधा दे वहां से मिलेगा भरपूर मात्रा में, और ठीक है ना सर, ठीक है ना मैम, जैसे मेध्य में हम जैसे मैंने पहले भी बोला सर्पगंधा आप यूज कर सकते हो, आप उसमें ब्रह्मी यूज कर सकते हो, शंख पुष्प उसमें यूज करो, तगर उसमें यूज करो, जटामांसी उसमें यूज करो, कोई दूसरा हम आसव हमारे जो अपने आसव है उसमें द्राक्ष सब हम उसमें यूज कर सकते हैं, भूख बढ़ाने के लिए आप कुमारी दो उसको, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है मैम उसमें लोहा सब दो, ऐसे ऐसे जिसको पैल्पिटेशन हो जाती है उसमें अर्जुन रिस्ट, हम अपने आसव और रिस्ट की कल्पना ही पेशेंट को शिफ्ट कर लें और उसको बोले धीरे धीरे करके छोड़ता जाए को करता जाए, और अजवाइन का पानी भी बहुत अच्छा हेल्प करता है, चारों अरक रहते हैं उसको बोलो मॉर्निंग में 50-60 ml पी, वो भी अच्छा हेल्प करता है, और पेशेंट को काउंसलिंग करे दोस्तों के साथ जो पीने वाले हैं उनसे बचे, शाम को अगर पीने का मूड नहीं भी है तो दोस्तों में चला जाए, वो धक्के से पिलाते ही भेजते हैं, तो ऐसा कहीं छोड़ना चाहते हैं तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, अगर कोई छोड़ना नहीं चाहता तो वो जाए भाड़ में, उसका क्या करना, वो तो छोड़ेगा भी नहीं, ये हमें बस क्या उसको एडवाइस कर सकते हैं कि क्या बस यही है मैम, जो बेसिक सिम्टम्स पेशेंट फील करता है एक तो वो नींद का बोलता है, एक वो भूख का बोलता है, और एक ये ट्रिमर्स का बोलता है, तो ये तीनों ज्यादा ट्रिमर्स हो तो हम वहाँ पे कुचला भी यूज कर सकते हैं, और बल्ले हाँ बल्ले ड्रग्स हम मैम उसको तकर धारा कराएं और बस्ती बस्ती दें अच्छे, जैसे अक्षीर बला तेल की जो अंदर से पावर दे, अक्षीर बला तेल है, अश्वगंधा ये बला लाक्षादी तेल जो तेल रहता है वो उसमें वो ज्यादा यूज करें, देख लेना उसका पित्त पित्त ज्यादा है या कैसा कैसा, उसी हिसाब से हम अपनी दवाइयों का चयन कर लें, अलग अलग पेशेंट में कई पेशेंट मोटे होते हैं ओबिस्टी वाले होते हैं, हमें देना कभी हम उसको मेद हमें और दवाइयां दे दे के उसको मेद धातु की वृद्धि ही ना कर दे, हम वहाँ युक्ति की चिकित्सा करेंगे। पावर अल्कोहल क्या होता है, पावर अल्कोहल, पावर तो पता नहीं सर क्या होता है सर, जो इनमें अग्रेशन होता है उसे दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, कामिंग द सर्पगंधा दो ना, शांत कर दो, माइंड को शांत करने वाली दवाई दो, ब्रह्म सर्पगंधा दो और ब्रह्मी दे दो, शंख पुष्पी दे दो, जटामांसी दे दो, तगर दे दो, वहीं से अग्रेसिवनेस खत्म होगी ना, जो ट्रंकलाइजिंग इफेक्ट डालते हैं हमारे जितने भी ड्रग है वो वाले। पवन सर मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ अपना जी, कि आपने क्या रोगियों को ये छुड़वाया है एडिक्शन, और अगर छुड़वाया तो, है जी मैम बहुत सारे पेशेंट्स को, मैं काफी सारे पेशेंट्स को, बहुत सारे लोगों को, अनगिनत लोगों को, तो आपने मतलब धीरे धीरे आशा वरिष्ठ पर उनको ले आए या किस तरीके से छुड़वाया, मैम सिम्टोमेटिक होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते करते वो उनकी एडिक्शन छूट जाती है, आदत छूट जाती है, बिल्कुल मैम बिल्कुल छूट जाती है,
बिल्कुल छूट जाती है, जो जो कंप्लेंट छोड़ना चाहते हैं मैम, जैसे कई बार पैसे नहीं होते फैमिली की तरफ, जो लोग थोड़ा सा गलत आदत में पड़ जाते हैं और उनको एडिक्शन हो जाता है, वो छोड़ना भी चाहते हैं, पैसे नहीं मिलेंगे, बच्चों का भी देखना है, तो वो छोड़ते ही छोड़ते हैं। और कई अच्छे लोग भी मैम रॉयल सोसाइटी में रहते हैं और रॉयल लोग होते हैं, उनको ऐसी आदत पड़ जाती है, वो भी ऐसा करते हैं। जो मिडिल लोग रहते हैं ना, मिडिल से टाइप के जो लोग, जिनको परिवार भी ठीक चल रहा है, ये चल रहा है, उनको बस वो ज्यादा। और कंपनी, मैंने तो ज्यादातर लोग देखा मैम जो कंपनी में बैठते हैं ना, जैसे ये प्रॉपर्टी डीलर हो गए, ये हो गए, इन लोगों का जो कंपनी में रहते हैं उन लोगों का थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी जो इंडिविजुअल पीते हैं या उन लोगों का बहुत आसानी से छोड़ते हैं। और देना तो मैम सिम्टोमेटिक ही होता है, हमने कोई ज्यादा उसमें लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना होता। जैसे मैं अभी बता, ये मैंने जो करता हूँ, मैं अजवाइन का पानी भी पिला देता हूँ, सौंफ और अजवाइन का अरक भी दे देता हूँ, चार अरक भी चवर का मार्केट में मिलता है वो भी देता हूँ, लीवर को काम करने वाली दवाइयाँ उसको ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया दवाई दो ताकि उसको एनर्जी लेवल भी अच्छा फील हो और उसको बॉडी में एनर्जी भी आए, वो कुदरती अपने आप ही कह देता भाई जो मैं पहले था गलत जिंदगी जी रहा था, अब मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, भूख अच्छी हो, मल प्रवृत्ति अच्छी हो, इन चीजों पे खास ध्यान देना चाहिए हमें पेशेंट की। जी जी मैम आपका वीडियो ऑन हो रहा है, आपका पार्क दिख रहा है सारा कुछ, ठीक है। थोड़ा हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू।